हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबली सेरा के नए मैच के बारे में। और दोस्तों, भूपिंदर गुज्जर को इम्पैक्ट रेसलिंग ऑफ द ईयर कुछ बता रही है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जिंदर महाल को जॉबर फिर से बना दिया गया है, लाइव इवेंट शो में मैच हुआ था, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम महाबली सेरा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, महाबली सेरा का एक मैच होने वाला है इम्पैक्ट रेसलिंग में, जो कि टैग टीम मैच है। उनके साथ होंगे राज सिंह, इनका मैच होगा दोस्तों जॉनी स्विंगर और जैक डिक के खिलाफ। दोस्तों, इनका मैच टैग टीम मैच है, जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग में पहले भी हो चुका है। और ये मैच में मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि पिछले मैच हमारे महाबली सेरा और राज सिंह जीतते आ रहे हैं, जो कि टैग टीम मैच है। इस मैच में देखने का समझ में आएगा कि दोस्तों, अगर महाबली सेरा राज सिंह जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में उन दोनों को पुश मिलेगा। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि राज सिंह और महाबली सेरा को इस मैच में जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम भूपिंदर गुज्जर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भूपिंदर गुज्जर को इम्पैक्ट रेसलिंग कुछ टीस कर रही है और ऑफ द ईयर बता रही है, मतलब वन टू वॉच 2023। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आने वाले 2023 में भूपिंदर गुज्जर को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा और उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भूपिंदर गुज्जर को 2023 में सबसे ज़्यादा पुश दिया जाएगा और हो सकता है कि वो इम्पैक्ट वर्ल्ड हैवीट चैम्पियनशिप भी जीत पाएँ और हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा भूपिंदर गुज्जर को सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों इम्पैक्ट रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा फीचर कर रही है भूपिंदर गुज्जर को और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड मानती हैं भूपिंदर गुज्जर को, और हम भी मानते हैं दोस्तों, क्योंकि भूपिंदर गुज्जर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जिंदर महाल के बारे में। दोस्तों, जिंदर महाल को वापस अभी स्मैकडाउन पे तो नहीं लाया गया, पर दोस्तों एक लाइव इवेंट शो जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था, जिसमें उनका मैच हुआ था ब्रे वाइट के खिलाफ, जो कि लाइव इवेंट शो पर हुआ था दोस्तों। तो इस मैच में ब्रे वाइट ने जिंदर महाल को हरा दिया है और इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिंदर महाल के लिए कोई प्लान नहीं है और उनको फिर से जॉबर की तरह ही देखा जाएगा। WWE पर जिंदर महाल एक बार फिर से लगता है साल 2023 में जॉबर ही दिखाई देंगे। आप मुझे कमेंट में बताएं कि जिंदर महाल को जॉबर ही सही रहे या फिर उनको पुश दिया जाना चाहिए और एक अच्छी बुकिंग की जानी चाहिए। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।